स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023 जो इसके बारे में। आज के मॉर्निंग वाले वीडियो में हमने बात की थी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी हो चुका है। 11 तारीख से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के शेड्यूल के जारी होते ही काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी प्रश्न यहाँ पर उठे भी थे कि यहाँ पे लगभग 1 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। इसके बारे में हमने मॉर्निंग वाले वीडियो में बात कर ली थी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभी उन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है जिससे कि यहाँ पर सभी कैटेगरी के एक मिक्स्ड अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँच जाए, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, जिससे कि टीमों को यह मालूम चले कि किस अभ्यर्थी या किस कैटेगरी के अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक करने में कुछ दिक्कत आ सकती है। इसी के लिए पहले फेज में काफ़ी अभ्यर्थियों को यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया गया है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाले फेज़ में होगा, इसके बारे में हमने मॉर्निंग वाले वीडियो में बात कर ली थी। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11 तारीख से है या फिर उसके बाद होने वाला है। काफ़ी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले भी काफ़ी प्रश्न थे और अभी भी काफ़ी प्रश्न यहाँ पर आए हैं, जिसको लेकर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले लेते हैं जिससे कि उस अभ्यर्थियों को जल्दी ही जवाब मिल जाए कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी को किन बातों का प्रमुख ध्यान रखना है, साथ ही कुछ उनके प्रश्न भी है जो कि मैंने कई जगह से उठाए हैं। ये तीन जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी अभ्यर्थियों के कॉमन रहे हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होने वाला है इसमें फ़ोटोकॉपी के कितने सेट लेकर जाने हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि काफ़ी अभ्यर्थियों का प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो उनका दिन बताया गया है कि इस दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, अगर वो अभ्यर्थी उस दिन शामिल नहीं हो सकता है किसी भी कारण से, मान लीजिए अगर उसका कोई एग्ज़ाम है, अगर वो शामिल नहीं हो पाता है तो क्या उसे शामिल किया जाएगा। तो इसके बारे में अगर आपने डीवी शेड्यूल को पढ़ा हो तो उसमें लिखा गया था कि जो भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन शामिल नहीं होता है उसे किसी भी प्रकार से अन्य दिवस पर नहीं बुलाया जा सकता है। अब कभी काफ़ी अभ्यर्थियों के ये भी क्वेश्चन है कि सीईटी का एग्ज़ाम आने वाला है, तो यहाँ पे बोर्ड और डीटीए एक तरीके से इनका निर्णय हुआ होगा कि सीईटी वाले दिन आपका एग्ज़ाम नहीं करवाया जाए। वैसे जो ये एग्ज़ाम होते हैं ये सैटरडे और संडे को होते हैं और इस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे भी नहीं होता है, तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपका कोई और ही एग्ज़ाम है, मान लीजिए कोई सेंट्रल का एग्ज़ाम है या फिर किसी और स्टेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए जो है डिपार्टमेंट अब कुछ नहीं कर सकता। आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके जो दिन भी अलॉट हुआ है, जो भी दिन, उसी दिन आपको आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो ये तो बात थी कि डीवी डे पर अगर नहीं जाते हैं तो क्या होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि स्क्रूटनी फॉर्म पर गजेटेड के हस्ताक्षर करवाने या नहीं। तो आप सभी जानते हैं आपने स्क्रूटनी फॉर्म निकाला होगा जो कि 10 पेज का है, जो सबसे अंतिम पेज है स्क्रूटनी फॉर्म का, उसके नीचे यहाँ पर गजेटेड ऑफिसर के साइन मांगे गए हैं। वैसे तो जो आपने अटेस्टेशन फॉर्म भरा है उसी के जो 9 और 10 नंबर का जो पेज है स्क्रूटनी फॉर्म का, वो वही है जो आपने जो अटेस्टेशन फॉर्म आपने भरा है और उसमें आपने साइन करवाए हैं। तो अगर आप वहाँ पर साइन नहीं करवाते हैं तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि आपने अटेस्टेशन फॉर्म भी लेकर जाना है और उसे लगाएंगे तो यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि स्क्रूटनी फॉर्म पर भी आप गजेटेड ऑफिसर के साइन करवाएँ। दूसरा क्वेश्चन है धूम्रपान और जो दहेज शपथ पत्र क्या अभी लगाना है। तो आपने डीवी शेड्यूल में जो निर्देश पढ़े हैं उसमें आपने देखा होगा कि धूम्रपान और जो दहेज वाला है ये अभी नहीं लेकर जाना है और मांगा भी नहीं है, तो आपको बनवाने की अभी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी, ये आपके ज्वाइनिंग के टाइम पे मांगे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अटेस्टेशन फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो क्या एफिडेविट की ज़रूरत है। तो इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली थी कि आप 2 स्टाम्प पेपर 50-50 रुपये के अपने साथ एक एक्स्ट्रा लेकर जाना, क्योंकि यहाँ पर जो भी दिक्कत हो सकती है अटेस्टेशन फॉरम में कहाँ पर दिक्कत आई होगी ये आपको वो टीम के द्वारा बताया जाएगा और वहाँ पर आप उस स्टाम्प पेपर का यूज़ ले सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने साथ 2 50-50 रुपये के अलग अलग स्टाम्प पेपर ज़रूर लेकर जाएंगे नोटरी करवा के ही, ताकि अगर कोई दिक्कत वहाँ पर सामने आती है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान ही उन स्टाम्प पेपर का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नहीं है कि अटेस्टेशन फॉरम में कोई बड़ी गलती हुई है तब तो आपको उसकी यूज़ पड़ सकती है, वरना अगर नॉर्मल सी कोई दिक्कत है, नाम में मिस्टेक हो गई है या फिर आपने गलती से रोल नंबर की जगह कुछ और भर दिया है, इस तरह की दिक्कत है तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आप अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो डीवी वाली टीम है वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी चेक करेगी और हो सकता है उसे अपलोड भी करें, क्योंकि इसीलिए वहाँ पर प्रिंटर और स्कैनर भी लगाए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उन्हें भी वहाँ पर अपलोड किया जाए, ताकि अगर स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत हुई है तो अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़े और एक तरीके से आपके जो सही वाले डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड हो जाए।
अगली चीज़ आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी लेके जाने हैं, साथ ही यहाँ पर उनकी एक फोटोकॉपी लेके जानी है। यानी कि किस प्रकार लेके जाना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर किन बातों का अभ्यर्थी को ध्यान रखना है। तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आपका जो यहाँ पर विस्तृत नोटिफिकेशन आया था उसको आपको ध्यान से पढ़ना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, उस कैटेगरी के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उसके अनुसार ही आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप शामिल हुए हैं। यानी कि अगर आप EWS के हैं तो आपका कब का बना हुआ है, कब तक वो वैलिड होता है, कब आप शपथ पत्र लगा सकते हैं, तो इसकी जानकारी आपको जो नोटिफिकेशन आया था जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए उसमें आपको देखने को मिलेगा। वैसे सभी अभ्यर्थी इस बात से अवगत है और उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सेकेंड नंबर जो पॉइंट है, अभ्यर्थी जो स्क्रूटनी फॉर्म उन्होंने भरा था उसके साथ उन्हें एक फोटोकॉपी लेके जानी है सभी डॉक्यूमेंट की, साथ ही जो आपने रिसिप्ट प्राप्त की थी, जो आपने 100 रुपये की फ़ीस जमा की थी, तो उसकी भी आपको प्रिंट करवा के दस्तावेज सत्यापन के साथ लेकर जाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको अपने 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि नवीनतम, यानी कि जो नवीनतम होने चाहिए, वो आपको वहाँ पर लेके जाना होगा। इसके अलावा अगर बात करें, अभ्यर्थी अपना ई आधार डाउनलोड कर जिसमें QR कोड अंकित हो कि प्रति आवश्यक रूप के साथ लावे, यानी कि आपको अपना जो आधार कार्ड है ये डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेकर जानी होगी। अगला है विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं दस्तावेजों की सप्रमाणित प्रति भी संलग्न करनी है। ये किस रूप में करनी है, किस जो है यहाँ पर अगर बात करें किस लिस्ट के रूप में करनी है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपसे जो CET का आपका जो स्कोर कार्ड था, CET ग्रेजुएशन का जो स्कोर कार्ड था जो जनवरी 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका यहाँ पर आपको स्कोर कार्ड लेकर जाना है। ये आपको मिलेगा SSO ID पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी भी एक कॉपी आपको लेकर जानी होगी। इसके अलावा ये जो चीज़ हमने काफ़ी पहले क्लियर कर ली थी कि जब अभ्यर्थियों को दिक्कत आई थी कि स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भर पाए या किसी कारण से कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उन्हें अब कैसे शामिल किया जाएगा, तो वही चीज़ का आंसर आपको उस समय भी मिला था और वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है कि यहाँ पर आपको 100 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर ले जाना होगा, वो एक तरीके से आपकी फ़ीस के बराबर ही है। तो वो आप ले जाकर यहाँ पर, अगर आप अटेस्टेशन फॉर्म रह गया है या फिर आपने रिसिप्ट यानी कि फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए आपके पास ये सॉल्यूशन है। तो जिनका भी स्क्रूटनी फॉर्म नहीं भरा गया है वो भी वहाँ पर जाकर अपना एक तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट करा सकते हैं, तो इसमें यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। तो ये जो सिंपल सी चीज़ें थी इसके बारे में अभ्यर्थियों के काफ़ी प्रश्न थे, तो एक तरीके से उन्हें क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर ज़्यादा चिंता नहीं करनी होगी। जो नेक्स्ट जो चीज़ आती है इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जब आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था तभी यही डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए थे और यही डॉक्यूमेंट आपसे अभी भी मांगे गए हैं। तो अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म में कोई गलती नहीं की है या फिर स्क्रूटनी फॉर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो अभी भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और आपका स्क्रूटनी फॉर्म जिस प्रकार सही ढंग से भरा गया था वैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कम्प्लीट होगा। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपसे मांगा गया है 10th की मार्कशीट, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट। ये दोनों नई जो मार्कशीट आती है उनमें आगे एक ही पेज पर होते हैं, तो एक तरीके से वही आपकी इन दोनों में लगेंगे। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसके बाद 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, इसके बाद आपकी सभी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, अगर आपने सेमेस्टर किया है, BTEC की है, तो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट होगी। अगर आपने BSc, BA, BCom जो भी किया है तो आपके पास 3 साल की यहाँ पर मार्कशीट होगी, तो उन्हें आपको सभी को लगाना है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र मांगा गया है, यानी कि एक तरीके से डिग्री आपकी यहाँ पर मांगी गई है। अगर आपने अधिस्नातक PG भी किया है तो उसके लिए भी यहाँ पर सेम प्रोसीजर है। बाकी RSCIT का आपको यहाँ पर मार्कशीट मांगी गई है, RSCIT का सर्टिफिकेट है, जो दोनों एक ही होते हैं। इसके अलावा मूल निवास है जो आपसे मांगा गया है। इसके अलावा जो जाति प्रमाण पत्र है, जिसमें कि खास तौर से जो SC ST OBC EWS इन कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट होते हैं, ये भी आपसे मांगे गए हैं। तो आपको किस प्रकार इन्हें लगाना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट आएगी, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, दोनों एक ही है तो वो एक ही पेज रहेगा। इसके बाद आपका जो है 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, उसके बाद आपकी यहाँ पर लगेगी सभी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो सभी, इसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री लगेगी, उसके पीछे आपके अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके मार्कशीट और उसकी डिग्री लगने वाली है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई है, इसके बाद आपको लगाना है अपनी RSCIT की जो मार्कशीट है वो लगानी है। उसके बाद आपको लगाना है अपने यहाँ पे, अगर हम बात करें तो आपका मूल निवास आ जाएगा, मूल निवास के बाद आपको लगाना है अपना जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है, अगर आप जनरल से हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपके जो अन्य प्रमाण पत्र हैं वो इसके बाद आपके लगने वाले हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप सेट नहीं भी बना पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर लगभग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 30 मिनट तक चलने वाला है, वो उन सभी डॉक्यूमेंट की जाँच करेंगे, तो आप वहाँ पर भी जमा सकते हैं। वैसे आप अगर इस ऑर्डर में लेके जाते हैं तो भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है।
तो इस प्रकार से है। और अंत में जाके जो आपके शपथ पत्र हैं वो अंत में लग जाएंगे, और जिस भी चीज़ का आपने एफिडेविट बनाया है वो आप उसके साथ भी लगा सकते हैं, या फिर अगर वो चाहें तो आप सबसे अंत में जितने भी आपके एफिडेविट होंगे 3 या 4 वो आप लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो है सेट वो एक तरीके से लेके जाएं, उसे स्टेपल नहीं करें, सिर्फ लेके जाने हैं आपको। हो सकता है कि वो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट निकाल कर आगे या पीछे लगा सकें, तो इस प्रकार से आपको लेके जाना है। सिर्फ आपको उनका एक सेट बनाना है, जितनी भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उनके सभी की आपको एक एक फोटोकॉपी करनी है। यानी कि इस प्रकार आप एक सेट बनाइए और डिट्टो जो है उसकी आपको कॉपी कर लेनी है, और वही कॉपी आपको स्व प्रमाणित या सत्यापित करनी है। हर पेज के नीचे जिस भी पेज पर कुछ भी लिखा हुआ है उस पेज के नीचे आपको नीचे या कहीं पर भी आप वहाँ पर जो है सत्यापित कर सकते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि सत्यापित करते समय आपको वही साइन करने हैं जो साइन आपने एग्ज़ाम में किए हैं या जो साइन आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किए हैं, वो सेम साइज़ आप जो सेम साइन जो है वो आपको हर पेज पर यहाँ पर करने हैं। आप डेट भी डाल सकते हैं, बिना डेट डाले भी वो आपका सत्यापित हो जाएगा। अगर आप डेट डालते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ अलग से दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर हो रहा है, तो इसके बारे में हमने पहले ही बात कर ली है। जहाँ पर आपका DTA का ऑफिस है, यानी कि आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट, यानी कि अगर आप लोकेशन नहीं जानते तो मॉर्निंग वाले वीडियो में बताई थी, आप अमर जवान ज्योति जो कि SMS स्टेडियम है उसके जस्ट सामने ही आपका ऑफिस बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पहुँचने में। इसके अलावा कुछ और दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कैसा क्या आपको वहाँ पर व्यवहार करना है, या किस प्रकार जो है आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैसे क्या आपका यहाँ पर जो प्रोसेस चलेगी, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया हुआ है जो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाए होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही चीज़ें मांगी गई है जो आपसे स्क्रूटनी फॉर्म में मांगी गई थी, कुछ अलग से यहाँ पर नहीं मांगा है। अलग से अगर हम बात करें तो सिर्फ आपको आधार कार्ड ले जाना है जिससे कि आपकी पहचान हो सके, और आप वहाँ पर अंदर जब आप अंदर जाएंगे एंट्री लेंगे तो वहाँ पर आपसे ये चीज़ मांगी जाएगी। इसके अलावा आपसे मांगा गया है एक CET का स्कोर कार्ड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो आप SSO ID से निकाल सकते हैं और अपने साथ वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो सिंपल सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किए हैं, साथ ही अगर आपका कोई फॉर्म जो आपका अगर बात करें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड होना रह गया था तो वो भी आपको लेकर जाना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं उनकी एक एक फोटोकॉपी आपकी निकालनी है, अगर वो बोथ साइड है तो बोथ साइड आप फोटोकॉपी निकालिए। उन सभी फोटोकॉपी पर जहाँ पर भी कुछ भी लिखा हुआ है, यानी जो अगर खाली पेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उस पर लिखा हुआ है तो आप उसको सत्यापित करेंगे, अपना साइन उस पर करेंगे, वही साइन होना चाहिए जो आपके एग्ज़ाम में आपने किया था, क्योंकि वो वही साइन है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किया था, तो वही साइन आपको हर पेज पर करने हैं। नीचे आप डेट डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ प्रमुख अभ्यर्थियों के, यानी कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अभ्यर्थियों के, वो यहाँ पर हमने बात की है। इसके अलावा अभ्यर्थियों को अगर कोई भी दिक्कत है तो वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यानी कि जो भी इस वीडियो में बताएगी अगर उसके अतिरिक्त या इन बताई गई चीज़ों पर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, कल आपका जो है वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। साथ ही अगर कोई और भी क्वेश्चन हो तो उसको लेकर भी आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। सबसे अंत में यही चीज़ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का होगा जिनकी एज 21+ है, साथ ही जिन्होंने कोई स्पेशल कैटेगरी में न होते हुए भी 40% में से रिलैक्सेशन लिया है तो उन्हें यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं बुलाया गया है, बाकी सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द कंप्लीट करवाया जाएगा, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में बात की है कि 15 से 20 अक्टूबर तक मैक्सिमम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है, और इसके बाद बोर्ड जल्द से जल्द आपका फाइनल रिजल्ट निकालेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं काफ़ी अभ्यर्थियों का ये प्रश्न रहता है कि डिपार्टमेंट इतना स्लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहा है, इस हिसाब से तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी ने देखा है कि पिछले 2 दिन छुट्टी थी लेकिन उसके बाद भी आपके डिपार्टमेंट में काम हुआ है। कल संडे था लेकिन कल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर काम हुआ है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर काफ़ी तत्पर है। लेकिन इस चीज़ के बदले ये नहीं छोड़ा जा सकता है कि यहाँ पे कई फर्जी अभ्यर्थी भी शामिल हो जाए, तो डिपार्टमेंट का एक पूरा यहाँ पे अगर हम बात करें तो पूरी मंशा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द से जल्द हो, लेकिन इसमें वो अभ्यर्थी शामिल ना हो जाए जिसे यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको भी ध्यान रखनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जितना अच्छे से होगा यहाँ पे काफ़ी फर्जी अभ्यर्थी जो कि फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर आएंगे उन्हें यहाँ पर बाहर किया जा सकता है, तो ये आपके हित में रहने वाला है। तो अगर प्रोसेस थोड़ी सी लंबी भी चलती है तो इसमें आप ही का हित है, चाहे 15-20 दिन ज़्यादा लग जाए लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही से हो इसमें सभी का भला होगा। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें कंप्लीट बात की है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को लेकर। आई थिंक इसके बाद आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं रहा होगा, अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।